यो गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 20 तारीख के आसपास मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था आप सबसे कि क्या आपको एटेनोस का 24/7 सर्वर चाहिए। तो उसमें से 90% बंदों ने बोला था कि यस हमें चाहिए, और काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट भी किया था कि यस हमें चाहिए। तो आपको नॉर्मल सा सर्वर क्रिएट कर लेना है, बाद में आपको सॉफ्टवेयर में जाके स्पीगोट एंड बकेट डाल लेना है। इसमें 1.16.5 का वर्जन होगा, ये आपको डाल लेना है। देन आपको रीइंस्टॉल पे क्लिक करना है, यस रीइंस्टॉल। रीइंस्टॉल होते ही हमें प्लगइन्स डालना है। एक प्लगइन्स में जाते ही ये नीचे जो आपको दिख रहे ये सब भी आप डाल सकते हो, पर हमें डालना है ऑलवेज ऑनलाइन। ये आपको पता ही होगा, पर हमें इससे आगे भी करना है। ये दो है, पर मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूँगा कि ये डालो। इसमें आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि वो 1.16 है। मैं आपको और तीन प्लगइन रिकमेंड करूँगा, ये तीन वाले। इससे क्या होगा, आप 1.16.5 में होंगे तो आप कोई भी वर्जन से ज्वाइन हो पाओगे। देन आपको ऑप्शन में जाके क्रैकर को ऑन कर देना है जिससे हमारा बोट सर्वर में आ सके। सर्वर स्टार्ट कर देना है जिससे हमने जितने प्लगइन डाले वो सारे रिलोड हो जाए। ये ओके ओलो। देन हमें क्या करना है, ये एफ के बोट दिख रहा है, ये आपका लिंक कमेंट में मिल जाएगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वो आपको यहाँ पे मिल गया एफ के बोट। इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपको कॉन्फिग दिख रहा होगा, कॉन्फिग उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे डॉट दिख रहा है वहाँ पे आपको अपना आईपी डालना है। आईपी एटेनोस पे जाके कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मिल जाएगा। मेरा गेमिंग पीरो युग 123 है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये ज़्यादा आ गया तो थोड़ा निकाल देता हूँ। देन हमारा जो नेम है वहाँ पे आपको ऐसा नेम लिखना है कि जैसा नेम किसी ने सोचा ही नहीं होगा, वो आपका फर्स्ट नेम होगा। जैसे पे यहाँ पे मैं सब्सक्राइब डाल देता हूँ। देन यहाँ पे पोर्ट होगा, पोर्ट पे हमारा 58819 है, तो हम डाल देते 58819। देन इसको आपको कंट्रोल सेव दबा के क्लोज कर देना है, वरना ऐसे भी रख सकते हो। देन हमें एक नया टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद हमें github.com सर्च करना है, इसका भी आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो ओपन करने के बाद इसको आपको अपना ईमेल एड्रेस से साइन अप करना है। ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ, लॉगिन में आपको एंटर यूज़र नेम आएगा। उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो कॉन्फिग में डाला था वही आप नाम डालो। तो मैंने नाम डाला था पर वो ऑलरेडी टेकन था, तो मैंने नेम चेंज कर दिया गेमिंग पीरो थे। तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ गेमिंग पीरो में। तो ये लिख दिया मैंने गेमिंग पीरो। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाके अपना ईमेल एड्रेस जो डाला था वो ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम डाल देना है। वो डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो डाला था वो डाल देना है। देन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे आपका ईमेल पे आपको एक कोड आएगा, वो आपको कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड अपनी वेबसाइट पे वापस जाके उसको पेस्ट कर देना है। और ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे दिखा क्रिएट रिपोजिटरी, इस पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिपोजिटरी नेम लिखना है। इसमें मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा जो आपने सब जगह पर लिखा है, मैंने गेमिंग पीरो लिखा है तो मैं वही डालूँगा। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा क्रिएटर रिपोजिटरी, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक होते ही ये सारा कोड आ जाएगा आपका, यहाँ पे दिख रहा हो अपलोडिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल। उसको सिलेक्ट करने के बाद चूज योर फाइल सिलेक्ट करके अपना एफ के बोट वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करके यहाँ पे पूरा डाल देना है। यहाँ पे ये थोड़ा लोड लेके 5 फाइल अपलोड हो जाएगा। ये 5 फाइल अपलोड हो गया तो हम कॉमिक चेंजेस कर देते हैं। कॉमिक चेंजेस होने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा और यहाँ पे सारा अपलोड हो गया है, आप देख सकते हो। देन आपको दूसरी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है herocook.com, इसका भी लिंक आपको कॉमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक सिंपल सा न्यू अकाउंट बना लेना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नाम युग, सरनेम या लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। देन आपका यहाँ पे जो कंपनी नेम है वहाँ पे आप अपना वही डालोगे जो आपने वहाँ पे सब पे डाला है। गेमिंग पीरो डाला है मैंने, तो मैं वही डालूँगा गेमिंग पीरो।
देन रोल में हमको सिलेक्ट कर लेना है अनदर, कंट्री में इंडिया ही रहने देना है और लैंग्वेज में आई एम नॉट अ डेवलपर। देन आपको कैप्चा सिलेक्ट करके फ्री अकाउंट बना लेना है। देन इसमें भी आपको एक आया होगा मेल, जहाँ पे यहाँ पे लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करते ही आपका नया पासवर्ड रखने का सेट करने का आ जाएगा। आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। देन ये थोड़ा लोड लेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होगा, उस पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू ऐप, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप नेम दिख रहा होगा, उसमें आपने जो सब जगह पे डाला है वही डालना है। मैंने गेमिंग पीरो डाला है तो मैं वही डालूँगा। देन सीधा क्रिएट अ ऐप कर देना है। ये थोड़ा लोडिंग लेके यहाँ पे कनेक्ट टू गिटहब दिख रहा होगा, जो हमारा ये वाला है, तो हम कनेक्ट टू गिटहब कर देते हैं। कनेक्ट टू गिटहब यहाँ पे ऑथराइज हीरो को कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे हमारा नाम दिख रहा होगा, जो हम सब जगह पे रखते हैं, और यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है हमारा नाम गेमिंग पीरो। तो यहाँ पे सर्च करते ही, तो मैंने सर्च किया, यहाँ पे कनेक्ट का दिख रहा है, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये तो सीधा कनेक्ट ही हो जाएगा। ये आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिप्लो ब्रांच, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है डिप्लो ब्रांच पे। डिप्लो ब्रांच पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा। थोड़ा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक आ जाएगा, ये मेरा हो ही गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे राइट क्लिक भी आ गया। अब हमें सर्वर पे जाना है और एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्रैक ऑन है या नहीं। यस ऑन ही है, तो हमें कुछ नहीं करवा, सर्वर स्टार्ट कर देना है सिर्फ। मेरा सर्वर यहाँ पे ऑलमोस्ट चालू हो ही गया है, तो ये लो चालू भी हो गया। तो हम सीधा जल्दी से हीरोको में जाना है। हीरोको में जाने के बाद ऊपर हमें रिसोर्सेस दिख रहा होगा, रिसोर्सेस में जाने के बाद हमें यहाँ पे अपने पेज को सिंपली रीलोड कर लेना है। पेज को रीलोड कर लेता हूँ मैं, ये रीलोड कर लिया। रीलोड करते ही हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये हमें ऑप्शन ऑफ करना है दोनों, देन कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। देन हमें फिर से दोनों को चालू कर देना है, चालू करने के बाद कन्फर्म कर देना है दोनों को। ये करते ही हमारे सर्वर में हमारा जो बोट होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्ट आ गया, गेमिंग पीरो जॉइन द गेम।